इंडो एशिया टीवी चैनल देख रहे समूह दर्शकों सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी प्रोग्राम लैके आए हाँ रूबरू रूबरू प्रोग्राम विच असी तुहाडे नाल रूबरू कराया करांगे एक ऐसी शख्सियत नूं जिन्हां समाज सेवा दे खेत्र विच कोई अहम काम कीता है। इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल ने भाई बलविंदर सिंह जी खालसा जिहड़े प्रधान ने निर्वैर सेवा सोसायटी दिल्ली दे। खालसा जी, इंडो एशिया टीवी चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है ते असी तुहाडी सोसायटी बारे बहुत कुछ सुनिया है, तुसी समाज सेवा खेत्र विच बहुत काम कीता है ते असी चाहुंदे हां कि तुसी दर्शकां नाल भी सांझ पाओ, अपने बारे कुछ दसो ते सोसायटी बारे भी कुछ जानकारी दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जीओ, सत्कारयोग वीर जीओ, मैं आप जी का ते आप जी दे इंडो एशियन चैनल का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां मैनू ते मेरी सोसायटी नूं संगतां दे रूह रूह करन दा ये मौका बख्शा है। मेरा जीवन एक मिडिल क्लास फैमिली तो बिलोंग करता है, जो कि मैं 15-20 साल तो स्कूल कैब चला रहा हाँ ते असी 47 तो पहले दे ही दिल्ली च रह रहे हैं। करीब करीब 25 साल दे वक्फे तो ये सेवा दा जड़ा है कार्ज महाराज ने शुरू कराया है। 25 साल पहले साढ़े एक कजन सी, उन्होंने नशे पत्ते की आदत पै गई, जिदे करके उन्होंने सब कुछ ही घर बार सब खत्म हो गया। तो उन्होंने 3 बच्चे सन, एक दिन उन्होंने फोन आया, बलविंदर सिंह मेरे बच्चे सांभ ले। 2 दिन बाद मैनू पता लगा भी उन्हों की डैथ हो गई आ। तो मैं उन्हों का पता लभदे लुभदे 2 दिन बाद जो गया, जो कि इको मंजे ते ही सारे 3 भैन भरा कट्ठे सियाल च दे दिन सी ते सो जांदे सन। बड़ा मन नूं वेख के हिरख जिहा होया भी इन्नी दुनिया सेवा करदी है, ये बच्चों का ये हाल है। फिर मैं उस तो पहले बच्चों वास्ते जो कि लोड़ींदे साधन सन घर घ्रस्ती दे, वो सारे पूरे कराए ते वो बच्चियां नूं मैं सोचा भी पढ़ाया जाए। बच्चियां नूं पढ़ाने वास्ते उत्थे लागे ही उन्हां दे मीराबाग स्कूल सी सरकारी, मैं उत्थे जाके प्रिंसीपल मैम नूं बेनती की, मैडम ये बच्चियां नूं पढ़ाना है। बच्चियां दी उम्र वेख के मैडम हैरान हुई, मैनू कहिंदी वीर जी एडे वड्डियां बच्चियां ने किदां पढ़ाई, किदां दाखला करांगे। मैडम पंजाबी सी, वो मैनू सौखा समझ गई ते मैं उन्हां नूं इक्को ही गल कही, मैम तुहाडी गौरमेंट भी कहती है, समाज भी कहिंदा है बच्चियां नूं पढ़ाओ ते बच्चियां नूं बचाओ, ये हुण तुसीं वेख लो किदां करना, जे ये बच्चियां नूं पढ़ाउणा जरूर है। मैं उहदा एक बार फिर मैडम का भी धन्यवाद करदा हाँ, उस मैडम ने उन्हां बच्चियां नूं के दाखला स्कूल दे विच दे दिता। तो बच्चियां पढ़न लग गईआं। उस तो 2 साल बाद ही मैं भी चंद्र विहार मकान लै लिया ते मैं एक दिन वेख्या भी वो बच्चियां इन्नी दूर जांदियां ने, माहौल बड़ा खराब है, तो मैं उन्हां बच्चियां नूं अपने घर लै आया ते उन्हां बच्चियां नूं नाल ही जिथे मेरे बच्चे स्कूले पाए सी उस स्कूले उन्हां नूं भी नाल दाखिल करा दिता। इस तरह ये सेवा मेरे जीवन च शुरू हुई। इस तो बाद एक होर घटना वापरी, एक दिन बरसाता दे दिन सी, गलियां जी उत्थे कच्चियां सन, मीह बड़ा वरिया सी ते एक रक्षे ते एक बीबी कुछड़ बच्चा लै के ते कुछ समान जिहा लै के ते बीबी उत्थे आई ते जिदा भी रक्षे वाले ने मना करता भी मैं अगे नहीं जाना, पानी भरिया। तो बीबी साढ़े बूहे अगे खड़ी सी ते परेशान जी सी, मेरे को रहा नहीं गया। मैं क्या भैन जी की प्रॉब्लम है, जे क्यों परेशान हो? कहिंदी वीर जी मैं अगे जाना है ते रक्षे वाला जा नहीं रहा ते मैनू आप गली दा चिक्कड़ वेख के पानी भरिया वेख के डर लग रहा है। ते मैं उन्होंने कहा भैन जी बच्चा मैनू फड़ाओ, मैनू सारी गली की नॉलेज है, मैं अगे अगे चलदा, आप जी मेरे पिछे पिछे आ जाओ। इस तरह मैं जो उन्होंने टिकाने पहुँचाया तो वापसी आंदियां मैं भी गोडियां तक गिला हो गया, पर एक अंदर एक आत्मक
शांति जी पै गई, अंदर एक ठंड जी पै गई, शरीर हौला हौला जहा लगे महसूस होया भी किसी का कुछ स्वर नाल एक आत्मक ठंड पैंदी है जो कि साढ़े धर्म का भी मूल निचोड़ है भी सेवा करनी किसी का कुछ सवारना। इस तरह साड़ी ये सेवा शुरू हुई ते अगले दिन मैं अपने इलाके च 5-7 जिहड़े वीर मेरे नाल बहिंदे खलोंदे सी उन्हां नाल विचार कीती भी यार कल इत्थे बड़ी परेशानी हुई, बीबी बड़ी परेशान सी ते उन्हां नूं मैं इदां छड्ड के आया क्यों ना असीं एक सोसायटी बनाईए जो इत्थे इलाके का कोई सवारे संगतां का कोई सुधार करे संगतां नूं कोई सुख दवे। तो ये निर्वैर सेवा सोसायटी फिर चालू की। उस दौरान असी पहला यही काम शुरू किया भी उस एरिए नक्शा सवारिया, गलियां सवारियां, नालियां सीधियां कराइया, पानी का जुगाड़ कराया। उत्थे पानी नहीं सी हैगा ते पानी के टैंकर होंदे सी, वह भी कदी कदी होंदे सी, फिर पानी के टैंकर मुहैया कराए, गलियां के नंबर पाए, मकाना के नंबर एड्रैस बनाए ते उत्थे लिख के लवाया ते फिर लोगों दी चिट्ठियां आउण लग गईयां। इस तरह लोगों का सानू होर चंगा हुंगारा मिलिया। इस तरह साडी इह निर्वैर सेवा सोसायटी शुरू हो गई। खालसा जी जदों तुसीं इह सोसायटी शुरू कीती ते उह किहड़े किहड़े लोग सन जिहड़े तुहाडे नाल तुरे ते जिन्हां ने तुहाडा साथ दित्ता जी? उस वेले जिहड़े मेरे मित्र मेरे नाल तैयार होए उन्हां विच दो मेरे वीरां दा नाम अवतार सिंह सी, एक मेरे वीर का नाँ सरदार लखविंदर सिंह सी, एक मिस्टर हर्ष सन, एक दो होर उत्थे मैंबर सन जिन्हां करके ये जिहड़ा सेवा शुरू हुई तो उन्हें काफ़ी मेरा उत्थे साथ दिता ते सोसायटी नूं चंगा हुंगारा मिलिया ते सोसायटी इसे तरह ही अगे सेवा करदी करदी इत्थे तक पहुँची। तो फिर मेरी उत्थों शिफ्टिंग हो गई तो मैं संतगढ़ विखे आ गया। जदों इत्थे संतगढ़ विखे आया तो उदों सोसायटी दे नाल होर मेरे वीर जुड़ गए जिदा सरदार सरनागत सिंह जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, मिस्टर दीपक शर्मा जी, मिस्टर नेत्र जी, मिस्टर सलीम जी, बीबी सरबजीत कौर जी, बीबी नरेंद्र कौर जी, बीबी गुरप्रीत कौर खालसा जी, इदा साडा जिहड़ा है सर्कल होर वड्डा हो गया। कि खूनदान देण विच लोकी बहुत सारे वहम भरम करते ने, तुसी किवें लोकां नूं समझाउंदे हो ते अपने नाल जोड़दे हो? ब्लड डोनेट करन वास्ते जो सानू एफर्ट करने पैंदे ने वो असी जिथे भी किते धार्मिक कीर्तन दरबार हुंदा है असी उत्थे कैंप लाईदे, उन्हां कैंपां दे विच लोकां नूं ब्लड डोनेशन वास्ते अवेयर करीदा है, ब्लड डोनेशन दे फायदे दसीदे आ जो कि अज दे टाइम ब्लड डोनेशन बहुत घट हो रही है ते लोड़ बहुत ज़्यादा है। कई तो पहला डरते भी ने पर जो उन्होंने समझाई दा भी ब्लड डोनेशन के बहुत फायदे हैं, साडा नवा ब्लड बन जाता है तो ब्लड डोनेशन नाल कोई नुकसान नहीं हुंदा, फिर लोग साडे नाल जुड़ते हैं। इदां ही असी कई थावां ते कैंप लाए, दिल्ली तो बाहर भी दो कैंप लाए जिहदे नाल साडे नाल मैंबर जुड़ गए ते साडा ब्लड डोनेशन का काम स्टार्ट होया। जिवें कोई भी सेवा का काम है जां कोई भी काम करते हैं तो माया की जरूरत पैंदी है, पैसे की लोड़ पैंदी है, तो तुसी कोई वित्तीय सहायता कितों लैंदे हो? वीर जी तुसी वित्तीय मदद की गल कीती है, वित्तीय मदद तो जिन्हें साढ़े असी सारे मैंबर हाँ ये सारे रल मिल के सेवा जिहड़ी इकट्ठी कर ली दी है तो उस नाल ही सेवा निभा ली दी है। होर मेरी गड्डी स्कूले बच्चे जाते हैं, एक फैमिली वह भी है सरदार गुरप्रीत सिंह जी, वो साढ़े ना जो भी लोड़ पैंदी है फाइनैंशली हैल्प करते हैं तो साढ़े ना वो भी बहुत सानू सहयोग देते हैं। ये साडा सारा आपसी सहयोग नाल ही तिल फुल भेटा जिदा साढ़े धर्म से कहा गया है भी दसवंध कटो, और दसवंध कट्ठा करीदा है तो सेवा कर ली दी है। जुड़ता ही एक सवाल हो रहा है कि तुसी कभी कोई सरकार कोलों कोई वित्तीय मदद लैण लई जतन कीता? हाँ जी वीर जी, जिदा आप जी ने पूछा सरकार तो मदद ली है तो उस वाहगुरु की कृपा नाल साडा आपसी जिहड़ा है इकट्ठ कोई इन्हां आपसी सहमति नाल सारे जुगाड़ हो जाते हैं, सारे सेवा पूरी हो जाती है तो सानू कदी लोड़ ही नहीं पई
ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਲੱਡ ਨਾ ਦਿਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਲਾਂਭੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਨਾਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਭੇਜੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਨਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਤੇ 9 to 5 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ 60% ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਤੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ 20 ਘਰ ਰਲ ਕੇ 100-100 ਰੁਪਈਏ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਤੰਗੀ ਭੋਗਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
पर असी मिडल क्लास की जिहड़ी कि रोज़ दिहाड़ी ला के कमाते सी, जिदा कोई आटो चला वाला जां कोई रक्षा चला वाला जां कोई दिहाड़ी लाने वाला, वह महीना कि अपना गुजारा उन्होंने कर लिया। जो हम महीने तो गांह वधिया तो हुण उन्होंने की करना है? आ मिडल क्लास बंदा किसी अगे हाथ नहीं डा सकता, किसी को मंगन नहीं जा सकता। उहदे वास्ते साडे समाज नूं इह सारा कट करके ये सारी सेवा करनी पेगी। तो मैं समाज दे अगे हाथ जोड़ के आप जी दे चैनल राही फिर बेनती करता हाँ कि सारे हिंदुस्तान नूं, सारी दुनिया नूं असी रल के सांभ सकते हाँ। साडे चों कोई भी माड़ा ना रहे, कोई भी भुखा ना सोवे। तो जिहड़ी ब्लड डोनेशन की गल है, साडे इंडिया च ब्लड डोनेशन की भी बहुत कमी है, उहदे वास्ते भी लोगों को सुचेत होना पेगा। मैं आप जी दे चैनल राही फिर एक बार दस दिना, ब्लड देना कोई कमजोरी नहीं होंगी, इस करके ब्लड जिन्ना वो दोगे आप जी का नवा ब्लड बनेगा, आप जी कई बीमारियों तो बचोगे, इस करके ब्लड डोनेशन जरूर करनी चाहिए है। मैं अपनी सोसाइटी वालों आप जी का आप जी के चैनल इंडो एशियन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो नाल ही मैं अपनी सोसाइटी के मेरे वीर मेरिया भैन जेड़े साडे नाल रल के ये सेवा करते हैं, मैं उन्होंने भी बहुत धन्यवादी हाँ। आप जी का एक बार फिर धन्यवादी हाँ जिन्हें सानू संगतान रूबरू कराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। खालसा जी धन्यवाद, ताडा तुसी प्रोग्राम में आए, समा कढ़िया ते दर्शकों के रूबरू होए। असी अपने चैनल वालों इंडो एशिया टीवी चैनल वालों ताडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।